वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी 10 का चैप्टर 10। 10th दे रखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें चैप्टर का नाम है वृत्त सर्कल। तो ये 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दे रखा है हिंदी में है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। तो इसके हिसाब से हमने डायग्राम बनाया है, जिसमें हमने रखा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है वृत्त की स्पर्श रेखा लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसके 4 सेंटीमीटर रखें, तो हमें फाइन करना है ओ बी जो उसकी त्रिज्या है, जिसे हम रेडियस कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सूत्र यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस का यूज करेंगे हम, जिससे हम इसके रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे, सबसे पहले आधार ले लेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसका सूत्र है जो कि ए सी बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सूत्र था, लेकिन इसमें हमें दे रखा है ए बी और ओ दे रखा है, केंद्र ओ दे रखा है, इस वजह से सूत्र हो जाएगा ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये सूत्र है, तो हमें इनकी वैल्यू रखना है। तो यहाँ ओ ए हमें दे रखा है पाइप का स्क्वायर, ओ ए दे रखा है पाइप का स्क्वायर, फिर ओ बी जो हमें फाइन करना है जो उसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो ओ बी वैसे ही लिखेंगे प्लस ए बी स्क्वायर। ए बी ये दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर सोल्व करेंगे, दोनों के स्क्वायर सोल्व कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर है बराबर तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 बराबर 25। ये 25 होगा तो लिख लेंगे 25 बराबर ओ बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई 4 बराबर 16, तो ये होगा 16 तो लिख लेंगे 16। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना ओ बी, तो हम बाकी संख्या को बराबर के इस तरफ ले आएंगे, तो 25 ये प्लस में था, अब यहाँ आएगा तो माइनस में, यहाँ प्लस से करा के माइनस बराबर ओ बी स्क्वायर। 25 में से 16 माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ ओ बी स्क्वायर। अब इसे सीक्वेंस में लिख लेंगे, तो पहले ओ बी लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 9 आया, तो ओ बी स्क्वायर बराबर 9 सेकेंड। अब यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर के बराबर का आगे भेजेंगे ओ बी बराबर 9 अंडर रूट में, स्क्वायर था स्क्वायर बराबर का आगे गए तो अंडर रूट में आएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ओ बी। 9 का इस 9 अंडर रूट है तो 3, क्योंकि अंडर रूट होता है 3, तो इसका अंडर रूट हमने निकाल दिया ओ बी का, तो उसका आंसर आ गया 3। यहाँ सेंटीमीटर देखा तो 3 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है, ये आंसर आ गया ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी सवाल सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।